Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. We are finally back with college review videos. I did college reviews in the year 2021. Now 2023 mein kafi kuch change ho gaya hai in colleges because management change hua hai. कुछ कोर्सेज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बट अभी नहीं कर रहे हैं. सो यू नीड टू नो एवरीथिंग इन डिटेल बिफोर यू टेक एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, द बेस्ट टॉप 5 कॉलेजेस में भी बहुत सारा चेंजेस आया है. सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट जय हिंद कॉलेज. जय हिंद कॉलेज में कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, एंट्रेंस एग्जाम किसके लिए है, ओवरऑल कॉलेज का रिव्यू क्या है. सो मेक श्योर गाइस दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. Let's start with location. Location wise, Jai Hind is in Churchgate, the prime location. But उसके साथ आता है थोड़ा सा महंगाई, which is students also who are not from Mumbai, they will have to pay little more because South Bombay थोड़ा महंगा है. But yes, you do have hostel facilities around the area. आपको college कोई facilities नहीं देता है in terms of hostel. So there is no hostel for Jai Hind College. Talking about the campus. अगर आप कोई भी जय हिंद कॉलेज के बच्चों से पूछोगे कि कैंपस, तो उनके पास कोई कैंपस नहीं है, इज जस्ट वन बिल्डिंग एंड उनका एक छोटा सा कैंटीन है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर अराउंड लाइक मरीन ड्राइव वगैरह वगैरह, क्योंकि लोकेशन अच्छा है बट दे डोंट हैव कैंपस एज सच. टॉकिंग अबाउट द क्राउड, जय हिंद कॉलेज का क्राउड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हर बार. दैट्स वाई आई वॉज लाइक पहले ही इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्राउड कैसा है, कैंपस का क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज है कि नहीं है, ये अब आपको पता चल गया. नाउ लेट्स टॉक समथिंग सीरियस विच इज अबाउट द स्टडीज. किस कोर्स के लिए जय हिंद कॉलेज अच्छा है और कौन सा कोर्स है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज कॉलेज ओवरऑल अच्छा हो सकता है बट कुछ कोर्सेज अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं, वो हर किसी कॉलेज में सेम है. तो जय हिंद कॉलेज का ट्रैवल और टूरिज्म करके एक नया कोर्स बीवॉक में लॉन्च हुआ था, 3 से 4 साल हो गए. उसकी जो रिव्यू है काफ़ी ज़्यादा बुरी आ रही है कि बहुत ही खराब कोर्स है. तो गाइज थिंक ट्वाइस बिफोर ऑप्टिंग फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म एट जय हिंद. टॉकिंग अबाउट द बेस्ट कोर्सेज, BMS, BMM, BAF, BBI, ये सारे ही कोर्सेज का काफी अच्छा रिव्यू आ रहा है. सो विदाउट थिंकिंग ट्वाइस यू कैन अप्लाई फॉर दीज कोर्सेज. दीज वेर द सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, चाहे फिर वो BMS, BMM, BWOC, जिसकी भी मैं बात कर रही हूँ, इसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है इन जय हिंद कॉलेज. सो यस, दे हैव देयर JHC CEE, विच इज जय हिंद कॉलेज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसके लिए वी डू प्रोवाइड एंट्रेंस एग्जाम का क्रैश कोर्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, देयर इज अ नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पर सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो, माय टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स. नाउ टॉकिंग अबाउट एंट्रेंस एग्जाम, आपका 50% वेटेज जो है वो आपके 12th के मार्क्स को, 50% वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम को दिया जाता है एंड अकॉर्डिंगली जो एग्रीगेट बनता है उसके बाद आपको जय हिंद कॉलेज में एडमिशन मिलता है फॉर सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज. टॉकिंग अबाउट द अदर कोर्स विच इज योर BA, BCOM एंड BSc, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है और आपके कंप्लीटली जो 12th के मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट एडमिशन में और एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि जय हिंद कॉलेज में सिंधी कोटा वर्क्स. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग जो कि एडमिशन के दौरान आपको जानना बहुत जरूरी है कि सिंधी कोटा वर्क्स इन जय हिंद कॉलेज. सो इफ यू आर सिंधी एंड यू हैव अ डॉक्यूमेंट, मतलब नेशनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, तो यू गेट अ रिजर्वेशन इन जय हिंद कॉलेज, मतलब कि आपको एडमिशन थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है. सो फॉर सिंधी स्टूडेंट्स यू डू हैव रिजर्वेशन इन जय हिंद कॉलेज. आफ्टर सिंधी कोटा रिजर्वेशन देयर कम्स अदर रिजर्वेशंस एज वेल, सो आप वो उनके वेबसाइट पे भी इन डिटेल चेक कर सकते हो. Talking about facilities, yeah, they do have basic facilities like auditorium to seminar room, all of these things are there. Talking about faculties, about BMM and BMS, faculties are really good. There's a practical learning, like BMS ke bachon ne bhi ye bola, we have really good faculties. BMM also said the same thing, but BMM students also said one thing, that ki practical knowledge achhi baat hai, but at times we get stuck when it is a theory paper because hume samajh hi nahi aata ki paper mein likhe kya. So yes, faculties are good, but yes, indeed, they will have to teach them theory as well. So yes, they do have good faculties overall. Now let's talk about placement and internship. Guys, placement BMM में तो कोई भी अश्योरेंस नहीं है. रही बात BMS की, yes, they do have good placement cell, मतलब कि चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर आपका इंटरव्यू वगैरह अच्छा गया तो आप प्लेस हो सकते हो. प्लेसमेंट इंटरव्यू स्केड्यूल की जाती है बट देर इज़ नो गारंटी एज सच फॉर द प्लेसमेंट. टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप, yes, they do offer internship, as in when it comes to the college faculties, they pass it on to students.
So indeed they do help students with internship and placement, but as I said ki placement ki koi 100% guarantee nahi hai. Now let's talk about the drawback, because review mein drawback to batana hi padta hai. Already maine thode mone bata diye hain, but major drawbacks is BMS students ka sabse zyada problematic thing hai ki subah 7:30 ka lecture to hota hai, chalo wo sahi hai, but kuch bhi planned timetable nahi hai. Matlab random lectures wo rakhte hain subah 7 baje, kabhi sham ke 5 baje. So students are like really stuck with traveling at the same time. They are overburdened with the internals, which is per subject 3 to 4 internals they have. And they are saying, ma'am, बहुत ज़्यादा stress out हो जाते हैं. Now talking about BMM students, they have an issue with the strict attendance that they have. So yes, attendance wise, Jai Hind College overall काफ़ी ज़्यादा strict है कि भाई attendance आपके average इतने होने ही चाहिए, otherwise आपको exam देने नहीं मिलेगा. So अगर आप Jai Hind में पढ़ना चाहते हो तो make sure करना कि आपके attendance सही तरह से maintain रहे. मुझे personally ये लगता है कि हर college ने एक fixed timetable या एक schedule बनाना चाहिए, because not only Jai Hind, बहुत सारे कॉलेजेस से कंप्लेन आ रही है कि मैम हमारा कोई स्केड्यूल ही नहीं है, एक दिन पहले पता चलता है कि कल कौन से लेक्चर होने वाले हैं. दैट्स रियली सैड ऑफ कॉलेजेस दीज डेज. बट आई गेस इफ एनी ऑफ द जय हिंद मैनेजमेंट इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज ट्राई टू स्केड्यूल द लेक्चर्स, बिकॉज इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट हु वॉन्ट टू डू अदर कोर्सेज और इंटर्नशिप. दे गेट स्टक बिटवीन दिस, यू नो, कल क्या लेक्चर होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, ऊपर से अटेंडेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है. सो येस, दे कैन इम्प्रूव ऑन दिस फैक्ट. Now guys, let's talk about the fees. So अगर हम BMS की बात करें, like self finance courses में BMS is the most popular course out there. 90,000 is the approximate fees for the whole degree program. And talking about BMM is a little expensive, which is going from 1,15,000 to 1,12,000 for the whole program. Similarly, जो भी course आप करना चाहते हो उनकी जो list है वो website पर available है. Website description box में आपको link मिल जाएगी, आप जाके check कर सकते हैं. So I would give 4 out of 5 to Jai Hind College. Overall college is quite good. मतलब अभी तक बच्चों से major complaint नहीं आई है. थोड़े से जो चीज़ें हैं वो तो obviously workout हो सकती है. And yes guys, before I end this video, let me tell you, I do one-on-one personal counseling session. If you are confused with career, college, कैसे क्या करना है in life, you can get in touch with me. There's a number in the description box. उस पर एक WhatsApp कर दो. My team will get back to you with all the details. I hope guys the video was informative. I'll be coming up with lot of college reviews, so stay tuned to the channel. Make sure that you subscribe, because I'll be coming up with lot of college review videos which gonna help you to make your decision, like you know, final decision. Aksar ye hota hai admission phase mein, ma'am mera ye college mein bhi aa gaya, ye college mein bhi aa gaya, ab main kaun se college mein admission lu. Wahan pe jab bhi aap stuck hoge, aap hamesha mere review video dekh ke apna decision bana lena. Thanks for watching guys, and again let me tell you, don't forget to like, share and subscribe.